हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टीचर, वेलकम टू पीटी क्लासेस। आज हम लोग प्रिंसिपल की क्वालिटीज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं प्रिंसिपल है क्या चीज। प्रिंसिपल स्कूल का एक हेड पर्सन है जो पूरे स्कूल को ऑपरेट करता है। तो उसमें सबसे पहले जरूरी है कि उसको कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि तो एक पूरे स्कूल को अगर चलाने जा रहा है तो उसको कुछ क्वालिटीज होंगे तो स्कूल को पूरे ढंग से चला पाएगा। तो सबसे पहले मैं जो पहली क्वालिटी देना चाहूंगा, ही मस्ट बी फेयर एंड कंसिस्टेंट। एक प्रिंसिपल को फेयर क्यों होना चाहिए, इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा कि एक प्रिंसिपल के पास मान लीजिए 20 लोगों का स्टाफ काम करता है, देयर आर 20 पीपल इन द स्टाफ। अगर प्रिंसिपल फेयर नहीं है, सबके साथ एक जैसा बिहेव नहीं रख रहा है, किसी कारण से किसी एक की पार्शियलिटी हो जाती है, किसी एक का पेपर कर देता है, तो बाकी लोगों की नजर में उसकी इमेज खराब हो जाएगी और स्कूल का एनवायरमेंट खराब होता है। तो एक प्रिंसिपल को फेयर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि स्कूल का एनवायरमेंट अच्छा रहे और एक स्कूल की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल का एनवायरमेंट हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। सेकंड पॉइंट, ही मस्ट बी एडेप्टेड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पीपल। एक प्रिंसिपल के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आम लोगों के साथ, अपने स्टाफ मेंबर के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ में, इवन की फोर्थ क्लास ऑफ द स्कूल, सबके साथ में एक रिलेशनशिप बना के रह सके। क्यों? क्योंकि स्कूल को जब तक आप एक फैमिली की तरह नहीं लेके चलेंगे, तब तक आप स्कूल में अच्छे से बच्चों को अपनी नॉलेज नहीं बांट सकते। जब आप में ये क्वालिटी आ जाती है कि आप लोगों के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम उनके बता सकते हैं कि मुझे आपसे ये चीज चाहिए, मुझे स्कूल में आपसे ये काम चाहिए, और टीचर और स्टूडेंट वो भी आपको आकर बता सकते हैं, सर मुझे एक चीज का प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस चीज को सॉल्व करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। और ये तो काम है प्रिंसिपल का, स्टूडेंट्स और टीचर्स को गाइड करना, और एक हेल्दी रिलेशनशिप के बिना ये नहीं हो सकता। थर्ड वन, ही मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटी। जैसे एक जहाज है, वो एक कैप्टन के बिना नहीं चल सकता, तो एक स्कूल है वो भी एक प्रिंसिपल के बिना नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल है वो स्कूल का लीडर है, उसमें अगर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो बाकियों को कैसे गाइड करेगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, टूर पर गए हैं, तो आपके पास लीडर नहीं है, तो सबकी होप होती है मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा, पूरा का पूरा ग्रुप ही बिखर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लीडर है, आप सब उसे फॉलो करेंगे, तो एक सही डायरेक्शन में चलेंगे और आपको सही आउटपुट मिलेगा। तो स्कूल के अंदर एक लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एक लीडरशिप कैसा होना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि एक स्कूल का लीडर कैसा होना चाहिए। लीडर एक अच्छा वही होता है जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करे। अगर स्कूल में अच्छा हो रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर किसी कारण से स्कूल में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है या कुछ और रीजन से स्कूल में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी प्रिंसिपल की जिम्मेवारी बनती है। फोर्थ पॉइंट, ही शुड बी ऑर्गेनाइज एंड वेल प्रिपेयर्ड। एक प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा प्रिंसिपल के व्यू में। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन करवाना है, जैसे हम सभी जानते हैं स्कूलों में पांच साल एक एनुअल फंक्शन होता है, तो अगर प्रिंसिपल इस चीज को लेकर ही क्लियर नहीं है कि उसे इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसके माइंड में इसकी पिक्चर भी नहीं बनी हुई है कि वो कैसे इसको ऑर्गेनाइज करेगा, वो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है, तो अपने स्टाफ मेंबर की ड्यूटी कैसे अलॉट कर सकता है। तो एक प्रिंसिपल को किसी भी काम के लिए, कोई भी उसके स्कूल में प्रोजेक्ट है, उसके लिए उसको वेल प्रिपेयर होना चाहिए और अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ही मस्ट बी विजनरी। स्कूल एक ऐसी संस्था है जो एक दो दिन के लिए नहीं चलती है, इसकी लाइफ कई सालों तक है। अगर हम सिर्फ आज के रिसोर्सेज को आज ही यूज कर लेंगे तो हम कल क्या करेंगे। तो प्रिंसिपल विजनरी होना बहुत जरूरी है। उसे पता होना चाहिए कि उसे भविष्य में किस चीज की जरूरत है और इन चीजों को वो आज प्रॉपरली यूज कर सकता है और किन रिसोर्सेज को वो लंबे टाइम तक चला सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, स्कूल में टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, इन तीनों का मेन रोल है। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो एजुकेशन से दूर नहीं होता, लगातार सीखने की क्षमता रखता है। तो प्रिंसिपल को ये चाहिए कि वो अपनी दूरदर्शिता बनाए रखे और टाइम टाइम पे अपने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहे, ताकि उनके स्कूल का जो लेवल है, स्कूल की जो डिग्निटी है, वो कम ना होने पाए किसी भी हालत में। सिक्स पॉइंट, ही मस्ट बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल जो है वो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर है। हम अगर इसको हिंदी में लेके चले तो ये प्रशासनिक किसका अर्थ है। तो क्या प्रिंसिपल का काम पढ़ना है?
बिल्कुल है, वो क्लासेस भी लेता है, लेकिन उसमें बाकी टीचर्स के अलावा रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ज्यादा होती है, क्यों? उसे सिर्फ क्लासेस को पढ़ाना नहीं है, उसे अपने स्टाफ को संभालना है, उसे अपनी बिल्डिंग की केयर करनी है, उसे अपने स्टूडेंट को संभालना है, उसे अपनी हायर अथॉरिटी से भी कॉन्टेक्ट बनाकर रखना है, उनके डीओ होल्डर को भी संभालना है, तो वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना भी बहुत ही जरूरी है। सेवन पॉइंट, ही मस्ट बी ए गुड लिसनर। दोस्तों कुछ भी बोलना बहुत आसान है, आप कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं है तो आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। पर एक स्कूल के अंदर जो हेड है, प्रिंसिपल है, जिसके पास तो सभी प्रॉब्लम्स आ रही है, टीचर्स की आ रही है, स्टूडेंट्स की आ रही है, इवन पेरेंट्स तक अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे को लेकर की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि प्रिंसिपल एक अच्छा लिसनर हो, और लिसनर भी ऐसा हो जो उनकी बात को समझे और उसका सोल्यूशन ऑन द स्पॉट करे, अगर नहीं कर सकता है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढे और उसको सॉल्व करे, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ही मस्ट बी फैमिलियर विद द स्टाफ एंड स्टूडेंट। जैसे हम देखते हैं कि हम एक परिवार में रहते हैं, हम अपनी बातें अपने भाइयों से, बहनों से, माता पिता से शेयर करते हैं, उसी तरह से स्कूल भी एक परिवार है जिसका मुखिया कौन है? प्रिंसिपल। उसमें टीचर्स का स्टाफ है, पीएम है, स्टूडेंट्स है, बॉयज गर्ल्स सभी है, तो उसके अंदर अगर उन सब में फैमिलियर बिहेव नहीं होगा, एक फैमिलियर एनवायरमेंट नहीं होगा, तो वो अपनी प्रॉब्लम कैसे बता पाएंगे? वो तो हेजिटेशन में ही रह जाएंगे। स्टूडेंट अपने टीचर्स को नहीं बता पाएगा, प्रिंसिपल तो वो दूर रह जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली सभी स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉपर कॉन्टेक्ट होना चाहिए, और प्रिंसिपल का कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम बच्चों से अटैचमेंट बना रहना चाहिए, ताकि वो उनसे फैमिलियर रहे। अगर वो फैमिलियर रहेगा तो ही वो उनकी प्रॉब्लम को सुन पाएगा और उन्हें सॉल्व कर पाएगा। नाइन पॉइंट, ही मस्ट हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ऑल स्कूल एक्टिविटी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो आपको उसे पहले खुद सीखना पड़ेगा। अगर हम स्कूल में बच्चों को ये कह रहे हैं कि आपको एक्टिविटी के साथ साथ हर गेम में, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको खुद ये करके दिखाना होगा। अगर एक प्रिंसिपल ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं उसमें, तो कैसे वो बातें उनको कह सकता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो एक अच्छे प्रिंसिपल के लिए जरूरी है कि वो स्कूल की हर एक्टिविटी, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रेयर्स। डेली प्रेयर्स में प्रिंसिपल पार्टिसिपेट करता है, उसका कुछ बच्चों को डिलीवर करता है, तो उससे अच्छा पार्टिसिपेशन एक प्रिंसिपल के लिए नहीं हो सकता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ही मस्ट बी ए रोल मॉडल फॉर स्टाफ एंड स्टूडेंट। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल पूरे के पूरे स्कूल को चला रहा है। हम सभी बच्चों के नाम नहीं जान सकते स्कूल में, लेकिन एक प्रिंसिपल का नाम सब बच्चे जानते हैं, तो वो उनके लिए एक रोल मॉडल है। अगर एक प्रिंसिपल टाइम पे नहीं आ रहा है, वो टाइम से पंक्चुअल नहीं है, तो वो अपने स्टाफ मेंबर को कैसे कह सकते हैं कि आप टाइम पर नहीं हैं? वो गेट पे कैसे स्टूडेंट को रोक सकते हैं कि आज आप लेट आए हैं, अगर वो खुद ही लेट आ रहा है? प्रेस के अंदर बच्चे पहले और प्रिंसिपल स्कूल बाद आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल के लिए एक अच्छी बात नहीं है। उसको अपने आप को एज ए रोल मॉडल उनके सामने प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा प्रिंसिपल हो सकता है। अदरवाइज वो किसी की प्रॉब्लम भी नहीं सुन सकता। इट डोंट डिजर्व दैट पोस्ट। थैंक यू सर। सो टीचर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जैसे एक प्रिंसिपल अपने स्टाफ को लेकर के प्रॉपर फैमिलियर रहता है, उस तरह के रिलेशन उसको अपने डीओ के साथ रहना चाहिए, प्रॉपर उनके टच में रहना चाहिए, क्योंकि उसको जो स्कूल चलाने के जो गाइडेंस है वो डीओ के थ्रू ही मिलनी है। मैम, अगर एक हायर अथॉरिटी अगर आपको कह रही है कि आपको इस काम को इस तरह से करना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो जहां तक मेरा मानना है, अगर डीओ की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आती है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाव पे आपको बेटर सजेशन देंगे कि आप इस काम को इस तरह से कीजिए, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए, तो उस प्रिंसिपल को उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हो सकता है कि प्रिंसिपल उसमें कुछ सुधार करना चाहे, तो अपनी सजेशन डीओ को दे सकता है। मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि टीचर, प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट और पेरेंट्स की रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली हम टीचर और स्टूडेंट तो
पूरा दिन जो है स्कूल में अवेलेबल है, प्रिंसिपल उनसे बात कर सकता है, प्रेस के अंदर जब प्रेयर बात कर सकता है, उसके अलावा वो टाइम टू टाइम क्लासेस भी देता है, तो उनका एक अट्रैक्शन प्रिंसिपल की तरफ बन जाता है क्योंकि वो अपने आप को एज ए रोल मॉडल उनके सामने रखता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स के साथ में, वो अच्छा रिलेशन कैसे बनाए। तो मैम जैसा आपको पता है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग के अंदर प्रिंसिपल को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि किसी के पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं तो प्रिंसिपल को चाहिए वो उनसे उनके बच्चे के बारे में पूछे, आपका बच्चा जो है किस तरह से चल रहा है, क्या आपको किसी टीचर से कोई शिकायत है, या आप किसी टीचर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपका बच्चा घर पर किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ऑब्वियसली उनके जो बच्चों के पेरेंट्स है वो अपनी सजेशन देंगे, अपनी जो कंप्लेंट्स है वो भी आपके सामने रखेंगे, तो ओवरऑल आपका वो पेरेंट्स के साथ में एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा।